Hey all, it's Abhayus. I am a Newton School educator. And यार आज वीडियो में आपको बताऊंगा अबाउट माई यूट्यूब जर्नी, क्योंकि यार ये लर्निंग का टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने दोनों चैनल्स के बारे में बताऊंगा। मेरा एक चैनल है जिसमें 11.6K सब्सक्राइबर्स हैं, एंड सेकंड ये चैनल है जिसमें 2.3K सब्सक्राइबर्स हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको दोनों चैनल्स के बारे में बताऊंगा कैसे मैंने दोनों चैनल को ग्रो किया, और यार बेसिकली इतने कम टाइम में, क्योंकि मुझे मैक्स 2 से 3 मंथ लगे अपने चैनल को मोनेटाइज कराने में। सो यार कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। टू द पॉइंट बातें होंगी, बट जो बातें होंगी बहुत बेहतरीन होंगी। सो यार वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए होना चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपके साथ 3 पॉइंट शेयर करूंगा जो हर यूट्यूबर को हमेशा दिमाग में रखने हैं, कि ये 3 चीजें तो आपके अंदर होंगी ही, ये 3 चीजें आपको फेस ही करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। हफ्ते में 2 वीडियो डालो, बट हर हफ्ते में 2 वीडियो जरूर डालो। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपके चैनल की रीच गिर गई तो फिर उसको उठाने में काफी मेहनत लगती है, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप एक्सपेरिमेंटिंग। मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करते रहो। शॉर्ट्स डाल के, एक लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ट्राई करते रहो, डिफरेंट डिफरेंट तरह के थंबनेल्स को ट्राई करते रहो। तुम्हें नहीं पता क्या वर्क करेगा क्या वर्क नहीं करेगा, ये तभी पता चलेगा जब उसको ट्राई करोगे। तो ट्राई करते रहो, ठीक है। क्योंकि आपने जो सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं एक वीडियो वायरल हो गई, तो वायरल तभी होती है जब डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करी जाती है, ठीक है। और यार थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सोलोपेनर आपको बनना पड़ेगा। मतलब अगर आप वीडियो क्रिएशन की जर्नी में आते हैं तो आपको वीडियो क्रिएट करनी है, आपको वीडियो खुद से एडिट करनी है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको थंबनेल बनाना है, सारी चीजें आपको खुद से ही करनी है। तो अगर इतना सब कुछ आपको खुद से करना है तो पहले आपको ये सारी चीजें को सीखना पड़ेगा। सो यार आपका माइंडसेट सीखने का होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये सब तो रास्ते में आएगा ही अगर मुझे उस पर्टिकुलर गोल तक पहुंचना है तो, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। अब जो बेसिक क्राइटेरिया होता है यूट्यूब पर, वो होता है आपको 1000 सब्सक्राइबर्स लेने होते हैं चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए, और 4000 घंटे। कॉपीराइट स्ट्राइक की भी कंडीशंस होती हैं, बट इस टाइम उसके बारे में बात हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले बात करता हूं अपने फर्स्ट चैनल की, क्योंकि आपको दोनों से सीखने को मिलेगा। तो यार फर्स्ट चैनल में पिछले साल इसी टाइम पर गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम आया था, और मुझे क्लाउड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी कि कहीं पर भी गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम के जो सॉल्यूशंस थे, क्विक लैब्स के सॉल्यूशंस, वो किसी ने भी समझाए नहीं थे। म्यूट वीडियोस चलती थी, सॉल्यूशन बंदा कर देता था, बट वो कुछ बोलता नहीं था, ठीक है। तो मुझे ये प्रॉब्लम लगी, क्योंकि बंदों को समझ में ही नहीं आता है कि सॉल्यूशन में किया क्या गया है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं करूंगा और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि मुझे क्लाउड में इंटरेस्ट था। तो मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कभी भी आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो फिर आप उस पर्टिकुलर एरिया में टॉप 1% पर आ सकते हैं, और अगर आप टॉप 1% में किसी भी एरिया में हैं तो आप हर तरीके में ग्रो ही करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, या तो कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर दो, या तो फिर कंसिस्टेंट रहो। तो मैंने अपने फर्स्ट चैनल पे यही किया था। अप्रैल से लेकर जून तक मैंने हर पर्टिकुलर दिन पे 2 से 3 वीडियोज अपलोड करी थी, तब जाके मेरे स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टार्टिंग में आपको हसल बहुत करनी है। अभी मैं ज्यादा कोई सब्सक्राइबर्स मेरे नहीं हुए, बट जो बेसिक स्टोन होता है, जो स्टार्टिंग का स्टेप होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत लोग यहीं पर गिव अप कर देते हैं। अगर आपने ये पार कर लिया तो फिर आगे की जर्नी आसान हो सकती है थोड़ी सी। तो यार फर्स्ट चैनल को मोनेटाइज मैंने ऐसे कराया था, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करके। अब मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल को कैसे मैंने मोनेटाइज कराया उसके कुछ 5-6 पॉइंट्स बताता हूं, इनको ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। इस पर्टिकुलर चैनल पे हमेशा ज्यादातर एक वीडियो जरूर आ जाएगी, मतलब एक दिन में एक वीडियो तो आ ही रही होगी। बहुत ही कम होता है कि एक वीडियो ना आए एक दिन पर, बाकी अगर आप जाके देखेंगे तो हर एक दिन पर एक वीडियो जरूर आती है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में अपने चैनल को ग्रो करना है तो कंसिस्टेंट आपको रहना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इस पर्टिकुलर चैनल की वीडियोस के लिए मैंने रिसर्च बहुत तगड़ी करी है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है जो कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है कहीं पर भी यूट्यूब पर। उसकी वजह से जो सर्च का ट्रैफिक होता है, जो ऑर्गेनिक सर्च का ट्रैफिक होता है, वो बहुत तगड़ा आता है। तो आपको सर्च करना पड़ेगा, वीडियो को बेहतरीन बनाना पड़ेगा। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाओ, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के साथ अलाइन करेंगे अपने आप को तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपकी वीडियो बहुत ज्यादा लोगों को रिकमेंड करी जाएगी, उसकी रीच बढ़ जाएगी। तो ट्राई करो ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाओ। जैसे मैंने भाईलैंग लैंग्वेज के ऊपर वीडियो बनाई थी तो मैंने यही किया था, और वो वीडियो काफी अच्छी रही भी मेरे चैनल पर। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ पीपल, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग इस पर्टिकुलर चैनल पे वर्ड डेवलपमेंट के साथ करी थी, बट वर्ड डेवलपमेंट के बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज हैं यूट्यूब पर, तो उतना ट्रैफिक मेरे चैनल पे नहीं आया, इस पर्टिकुलर चैनल पे नहीं आया।
तो मैंने लोगों के हिसाब से अपने चैनल का कंटेंट चेंज करता गया। वेब डेवलपमेंट से फिर फ्लटर पढ़ाया, फिर क्लाउड पढ़ाया। जब गो क्लाउड में लोगों को इंटरेस्ट आता रहा तो फिर मैं ऐसे टॉपिक्स को चेंज करता रहा। आपको लोगों को समझना पड़ेगा, जो लोगों को चाहिए वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपकी एक ऑडियंस बन जाती है तब आप उस पर्टिकुलर ऑडियंस को दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। आप जो पढ़ाना चाहे वो आप पढ़ा सकते हैं। बट यार स्टार्टिंग में आपको अगर कोई नहीं जानता तो थोड़ा आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि जो आपको आता है वही आप पढ़ाएं। कभी कभार आपको अलग से रिसर्च करके भी दूसरे टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि वो लोगों को चाहिए। ठीक है, तो यार ऐसी भी कंडीशंस आती है। ये सब भी मैंने किया है इस पर्टिकुलर चैनल पे। ये कुछ 4-5 पॉइंट्स थे जिनकी वजह से ये पर्टिकुलर चैनल काफी अच्छा ग्रो किया है 2-3 मंथ में, और सक्सेसफुली हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही इस पर्टिकुलर चैनल को मोनेटाइज भी करा लिया। एंड एक लास्ट पॉइंट और, कि इस चैनल पे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट काफी किया। एक्सपेरिमेंट कैसे, जैसे एक चीज होती है कि अगर आप कोई भी थंबनेल को ऐसे लिखेंगे टू वेज टू मेक मनी, तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि लोग सुनेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप कोई ऑड नंबर का इस्तेमाल करते हैं, लाइक 3 वेज टू मेक मनी, 5 वेज टू मेक मनी, 7 वेज टू मेक मनी, तो ये लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ऐसी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मेरा और ये पर्टिकुलर चैनल ग्रो किया। मैंने सोचा आपको एकदम कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करूं, जिससे अगर आप यूट्यूब पर आने का सोचें तो आपको पता होना चाहिए कि कैसी आपकी जर्नी रहेगी आगे चलकर। ठीक है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि रुकना मत, करते रहना। स्टार्टिंग में आपको साथ नहीं मिलेगा, बट अगर आप लगे रहेंगे तो यार एट द एंड आपको सक्सेस मिली जाएगी। सो यार विद दिस थॉट लेट्स रैप दिस वीडियो। वीडियो को रैप अप करते हैं, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज। पहली, ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना। उससे आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोडिंग स्किल्स को अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो आपको न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर शो हो जाएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के अनाउंसमेंट्स चल रहे हैं। अगर आप फोर्थ ईयर में हो तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई डाउट हो तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप बात भी कर सकते हैं। सो चलो यार इस पर वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नया होना चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं सीनियर वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।